हे भरत, इधर पुत्र प्रभुन तथा भाई सात्विक के साथ भगवान श्री कृष्ण उसी रात सुरंभगिरी पर यात्रा पर बड़े हर्ष के साथ रहे। हे नरेश्वर, उस पर्वत भगवान के प्रति भक्त भाव से नम्र हो जो शरण के बराबर हो गया था, इससे उस पर्वत पर प्रसन्न हो महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उस पर्वत को ये वर दिया। हे महिगिरी, तुम शरण पाद के नाम से विख्यात होगे। जैसे हिमालय पर्वत के ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ एवं पवित्र बने रहोगे। हे पर्वत श्रेष्ठ, तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त हो मेरु के साथ स्पर्धा रखते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देखकर मैं आनंदमग्न हो जाता हूँ। इस प्रकार उस पर्वत को वर देकर भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। हे भारत, श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहां आ गईं। अधोक्षय श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर उसी पर सर्वशेश्वर रुद्रदेव का आवाहन किया। तब पर्वतीय सहित भगवान महादेव प्रथम गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका परिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता ईश्वर भगवान शिव का वाणी द्वारा स्तावन किया। श्री कृष्ण बोले, हे देव, आप ही रोदन रावण अतिशय रो तथा जन्म मरण रूप संसार का द्रवण करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं से बढ़कर हैं। हे ईश, मैं आपके भक्तों का भक्त तथा स्नेहियों का स्नेही हूँ। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्स प्रभु की शरण लेता हूँ। हे देव देव, आप ही ग्रामीण और वन्य पशुओं के पति हैं, इसलिए आप भगवान पशुपति के रूप में विख्यात हैं। ये सारा जगत आपका ही कर्म है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आप ही जगदीश्वर तथा देववीरों के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर हैं। आप ही आदि पुरुष प्रीति दाता तथा प्राण दाता हैं। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको ही ईश्वर तथा ईश कहते हैं। हे अनंत, हे धीर, हे अच्छेश्वर, अतः आप अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर ही जगत उत्पन्न हुआ है, अतः विद्वान पुरुष आपको बहु कहते हैं। वास्तव में तो आप भूत हैं, महान सर्वेश्वर के लिए भी अत्यंत उदार हैं। फिर दीन दुखियों के लिए तो बात ही क्या है। हे देव, अतः पराजित हुए समस्त देवताओं असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अतः सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवा आदि देव देवताओं से बढ़कर महादेव कहते हैं। अमेय बल पराक्रम से संपन्न हे वरदायक महेश्वर, अतः सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता आप पूजनीय परमेश्वर की नित्य पूजा करते हैं। अतः आप भगवान देव देव के रूप में विख्यात हैं। सत्पुरुषों के इष्ट देव आप ही हैं। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के भी स्वामी अप्रेम स्वरूप हे देव, बारंबार लोकों को उत्पन्न करने वाले हे लोक भावन, अतः आप भूलोक भूर्लोक और
स्वहलोक इन तीनों लोकों की भूमियों का आश्रय हैं, अतः आपका प्रथम नाम त्रिलोकी के आश्रय है। आपकी कीर्ति अमेय है। आप संहारकारी होने के कारण सर्व कहलाते हैं। समस्त शत्रुओं का शासन करने के कारण अप्रमेय शक्ति से संपन्न हैं। फिर ईश्वर रूप से समस्त जगत का शासन करने के कारण आप भी अप्रमेय हैं। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से भी आपको अप्रेम कहा गया है। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले हे परमेश्वर, आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर हैं। अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आप ही का प्रतिपादन होता है। आप उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर हैं। आप भक्त जनों को सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले समस्त असुरों को दंड देते हैं। उसके कारण आप अप्रमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाथ कहते हैं। हे अनंत पराक्रमी ईशान, पूर्व काल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहाँ नील चिन्ह बन गया था, उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। आप समर्थ होते हुए भी दयावश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित हे महेश्वर, अतः संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से अंकित है। अतः ये समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। तत्त्वज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और ध्येय स्वरूपा लोक जननी अंबिका को त्रिगुणा रूप कहते हैं। वह अंबिका ही वेदों में अजा नाम से वर्णित हैं। वही महातत्व की जननी हैं। आप यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमानों के दिव्य यज्ञ तथा योगियों के योग यज्ञ हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्मय विग्रहधारी हे देव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी दूसरा कोई नहीं है। हे देव देव, मैं ब्रह्मा कपिल शेष नाग और आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के कारण अत्यंत वीर सभी ब्रह्मपुत्र, ये सब के सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप सबके ईश्वर और कारण रूप होने के कारण स्तुति के योग्य हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की, तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर भगवान नारायण देव से इस प्रकार कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हें अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। तुम परिजात को अवश्य ले जाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में यथा नहीं होनी चाहिए। हे प्रभु श्री कृष्ण, जैसे मौनाक का आश्रय लेकर तुमने तप किया, उसी तरह मेरी आज्ञा ओर से तुम्हें वर भी मिला है। उस वर को याद करके तुम धैर्य धारण करो। मैंने जो तुमसे कहा था कि तुम आवद्ध अजय तथा मुझसे भी बढ़कर सूर्य वीर होगे, वो बात उसी रूप में सत्य होएगी। उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। हे धर्मज्ञ, हे अमर श्रेष्ठ, हे विष्णु, जो भक्ति भाव से तुम्हारे मन की हुई वो स्तुति के द्वारा मेरा अस्तावन करेगा, वो समर भूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर धर्म का भागी होगा। हे अनग, हे देवोशर, हे देव, तुमने जो मेरी यहाँ स्थापना की है उसके अनुसार मैं बिल्ब बोधकेश्वर नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। हे केशव, हे जनार्दन, जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रहकर मुझ में भक्ति भाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वो मनोवांछित लोकों में जाएगा।
इस प्रदेश में अविंद्या नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रवाहित होगी। उसमें गंगा संबंधी मंत्र उच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा।